पुलिस वालों को रुपया देते हैं चिड़िया बरियारपुर थाना में। जैसे कि बिहार सरकार शराबबंदी को लागू करने के लिए लगातार आदेश पर आदेश जारी करती है, मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं, पुलिस विभाग शराब बिकने वाले एरिया के थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई करती है, लेकिन बेगूसराय में सारी कवायद के बावजूद न केवल गांव-गांव में देसी और विदेशी शराब बिक रहा है, बल्कि यहां के गंगा दियारा, गंडक दियारा, कांवर झील के फरकिया के सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर देसी शराब धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं। यहां के बनी शराब सिर्फ बेगूसराय जिला ही नहीं आसपास के जिलों में भी भेजी जा रही है। हालत यह है कि यहां शराब बनाने वाले कारोबारी पूरी तरह से बेखौफ हैं, और बेखौफ रहे भी क्यों नहीं, क्योंकि यह शराब धंधा के एवज में थाना को प्रत्येक माह बंधा बधाया टैक्स देते हैं, और वह टैक्स चौकीदार के माध्यम से थानेदार तक पहुंचती है। इसका खुलासा क्या है शराब बनाने वाले धंधेबाजों ने? कारोबारियों का कहना है कि हम बेरोजगारी के कारण क्यों नहीं यह धंधा करे, ऐसे ही नहीं बनाते रहे हैं, थाना को मैनेज किए हुए हैं, चौकीदार के माध्यम से थानेदार तक पैसा पहुंचा रहे हैं। शराब कारोबारियों का कहना है कि चौकीदार के अलावे कुछ और बिचौलिए हैं जिनके माध्यम से थाना मैनेज किया जाता है। स्थानीय पुलिस के छापेमारी की सूचना पहले ही मिल जाती है, गुपचुप तरीके से वरीय अधिकारी छापेमारी करते हैं तो हमारा शराब पकड़ा जाता है। हम पुलिस वालों को रुपया देते हैं चिड़िया बरियारपुर थाना में, जैसे कि भीमा पासवान है, भीम पासवान जो है वो है, उन लोग को पैसा दे करके हम लोग जो है मैनेज किए हुए हैं। यहाँ से थाना की दूरी लगभग 3 किलोमीटर, बहुत कारोबारी करता है सर। इसमें बचत ही इतना अधिक है कि फिर से हम लोग इसी धंधे में लग जाते हैं। आखिर क्या करें, जनप्रतिनिधि और अधिकारी रोजगार का उपाय नहीं कर रहे हैं। यहाँ देसी शराब ही नहीं डुप्लीकेट विदेशी शराब भी बनता है। काबर और दियारा इलाके के धंधे वालों की माने तो उनके द्वारा बनाया गया देसी शराब नदी के रास्ते रात के अंधेरे में दूसरे जिलों तक ले जाया जाता है। हम पुलिस वालों को रुपया देते हैं जिसके कारण हम लोगों को डर नहीं लगता। चिड़िया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कांवर झील इलाके में शराब बनाने वाले कारोबारियों की माने तो चौकीदार भीम पासवान सभी शराब कारोबारी से पैसा लेकर थाना अध्यक्ष को पहुंचाता है। बताते चले कि चिड़िया बरियारपुर थाना के पूर्व थाना अध्यक्ष नीरज कुमार को SP अवकाश कुमार ने चौकीदार भीम पासवान से थाना का काम करवाने समेत अन्य कारणों से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन वह भी वर्तमान थाना अध्यक्ष के दाहिना हाथ बनकर क्षेत्र में शराब कारोबारी से मिलकर मोटी रकम वसूल कर कारोबारी को सुरक्षा प्रदान करता है। पिछले सप्ताह ही SP ने मंझोल OP अध्यक्ष सुबोध कुमार और दरोगा सुरेश कुमार को शराब माफिया से साठगांठ के आरोप में निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है।